नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स में, जहां पर हम आपको खेती से संबंधित सारी जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे मक्के की फसल में आने वाले एक ऐसे रोग की जो कि आम तौर पे इस फसल में देखने को मिलता है। इस रोग को हम झुलसा रोग के नाम से जानते हैं और इसे लीफ ब्लाइट भी बोला जाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि धीरे धीरे करके पत्तियों के निचले भाग से ऊपरले भाग तक फैलने शुरू हो जाते हैं और पूरी पत्तियों को ढक देते हैं। इसके कारण पौधे सूख कर मुरझा जाते हैं और पैदावार में भी काफ़ी नुकसान पाया जाता है। इस बीमारी को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरी फसल में फैल जाती है और उसे ख़राब कर देती है। इसकी रोकथाम कैसे की जाए? इसकी रोकथाम के लिए आप 200 ग्राम मैनकोजेब को 100 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। इससे आप इस बीमारी को अपनी फसल में फैलने से रोक सकते हैं और जिन पौधों पर इस बीमारी का प्रभाव ज़्यादा है उन्हें निकाल कर नष्ट कर दें। इससे आप अपनी फसल को इस बीमारी के फैलने से बचा सकते हैं। आज की जानकारी में इतना ही। अगर आपकी अपनी पशु और फसल संबंधित कोई भी समस्या है तो आप उसका समाधान हमारी एप्लीकेशन पर पोस्ट करके ले सकते हैं, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।